देखेंगे। लीहा के लिए अंडे उबाल रही हूँ क्योंकि लीहा को ठंड लग। तो जी मैं अब आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, और इस बच्ची को देखें, खोलो, खोल लेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक के ज़िम्मे रहें। और आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज मैं सोच रही हूँ आज हया का सूट सिलाई कर दी, ठीक है। एक और मैंने काटा हुआ सूट उसका, तो मैंने कहा चलो मैं सी दूँ, आज वो सीऊँगी, और साथ साथ कोई और काम है घर के जैसे होते हैं रोज़ के काम वो करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। सूट सिलाई करूँगी वो दिखाऊँगी। और अभी मैं देखती हूँ दुआ मैडम क्या कर रही है, क्योंकि मैं दरवाज़े में खड़ी हूँ तो लोग भी आ जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता, देखते हैं। क्या क्या हो गया? मैं लगा दूँ। क्या किया? बेबी वाली वीडियो नहीं है, वो पिक्चर है, लिया पिक्चर है सिर्फ। तो ये जी बैठी है, क्योंकि लाइट नहीं है तो काट नहीं चल सकते हैं, तो ये शादी की वीडियो देख रही है बैठी, और सरैन को देखो कहाँ चढ़ा हुआ। और ये देखें जी दुआ को, ये अब शूज पहन रही है। ये कंबल मैं इसलिए नहीं उठाती हूँ दिन में भी, चादरें वगैरह झाड़ के ना इनको ऐसे कहती हूँ कि कंबल में लेटे रहो, फिर भी ना बचत नहीं होती है, जैसे कि लिखा है नंगे पाँव फिरती रहती है। ये देखें फर्श नीचे ठंडा होता है, तो इस वजह से। और अभी अभी ना ये तो मैंने तैयार कर दिया था, मैं सोच रही थी इसको डबल डबल कैप बनाऊं, अगर नहीं जैसे ये दूध पीते है ना ऐसे ऐसे हाथ फेर के ना। हाँ ये देखें जी, ये लिहा जो से पीछो, ये लिहा को ना ग्लव्स भी दुआ ने बनाए हैं, और ये टोपी भी दुआ ने बनाई है, और ये शूज और सॉक्स भी दुआ ने बनाई है। और ये मैडम देखे ग्लव्स पहना हुआ, सॉक्स नहीं पहन रही है। इतने पकोड़े बनाती है, कितना तेज तेज बोलती है, इतना तो तेरी माँ को नहीं आता बोलना है, माँ को इतना तेज नहीं आता, कितनी तेज है और ये देखे नहीं बाहर धूप निकली भी, ये देखे इस राख में से दिखा सकती हूँ मैं धूप, माशाल्लाह से आज भी काफी तेज धूप है माशाल्लाह। और ये देखे बिल्ली जा रही है, ये रोज इधर ना दरवाजे में ना हमारा रिक्शा खड़ा होता है इधर बाहरी इस जगह पे, तो ये दो तीन बिल्लियां वो आके बैठ जाती हैं कि ये भी है बिल्ली, ये भी आके बैठती है रात को। बिल्ला है? हाँ जी। नहीं ये बिल्ली है, बिल्ला है, पोला बिल्ला है ये किसी का। ये रात को इधर आके बैठे रहते हैं, जब रिक्शा चला जाता है तो ये फिर बेचारे बेघर हो जाते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। दोनों बिल्ले हैं ये। अच्छा जी, आप क्या नाम है? जहाँ मैं जॉब करती हूँ उन्होंने मुझे बुलाया है कि जरा आओ हमारी बात सुनने, पता नहीं क्या बात करनी, तो मैं जाऊँगी तो पता चलेगा क्या करें क्या ना। उन्होंने अब मैं उधर जा रही हूँ, तो वापस आके आप लोगों को बताऊँगी क्या हुआ। अच्छा जी, अब जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना उनके घर से कुछ चीज़ें आई हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है, मैंने भी देखा नहीं, मैंने भी देखा नहीं, आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। आपके सामने ही शॉपर खोलूँगी, और अभी मैं चुप हो गई थी, यहाँ से कोई भाई गुजर रहे थे इस वजह से, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी मैं अब आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, और इस बच्ची को देखें, खोलो, खोल लेगी। वाह, लीहा ने गिरा खोल ली, क्या बात है। तो ये देखें जी, सबसे पहले एक पत्ती का पैकेट है, ये देखें, चलो रख दो अब। और ये लग रहा है बेसन फटा हुआ, इसका पैकेट फटा हुआ लिया, ये नीचे गिर रहा है, ये यहाँ से फटा हुआ। तो जी ये बेसन है एक पैकेट, शायद दूसरा भी हो या एक ही हो पता नहीं मुझे,
और ये गुड़ है, और ये जी चना की दाल, चने हैं, ये भी चना की दाल है। इधर रखना अलीहा, रख दे इधर रख, पागल हो भी बैठी है ये तो। और ये मूंगी की दाल है, ये भी मूंगी की दाल, ये देखें। और ये लाल मिर्चे हैं, ये देखें, ये लाल मिर्चे हैं। लो जी रिमोटो माल आ गया। और ये मूंगी मसरी की दाल है, ये भूल गई थी नाम है, ये मसरी की दाल है। और ये भी मसरी का एक पैकेट है। और ये भी लाल मिर्चे हैं, छोड़ दे लिया। और ये हल्दी है, हाँ हल्दी है, मैं समझ रही थी मिर्चे हैं, हल्दी है। अलीहा छोड़ दे। और ये काले चने, ये भी काले चने हैं। और ये घी, ये भी घी का पैकेट है। अलीहा की बच्ची देख ले, सारा बेसन है उसमें फटा हुआ, सारा ऊपर गिरेगा। और ये देखें जी, ये चीनी है, चीनी का पैकेट है, नहीं बेसन है, चीनी नहीं है, बेसन की फटा है उसका पैकेट। अलीहा के ऊपर सारा बेसन गिर रहा। और ये एक पैकेट नमक, और ये चावल है, हाँ ये एक पैकेट है चावलों का, बड़ा पता नहीं कितने किलो का है, छोड़ी 5 किलो का, ये 5 किलो का एक पैकेट है उसका चावलों का। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया है ना, थैंक यू आंटी को बोलो, पता चल जाएगा क्या। अलीहा कहो आंटी थैंक यू, बस ठीक है, चलो जी। तो ये सब चीज़ें तो जो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, तो अब मैं वापस शॉपर में डालूंगी, डालो शॉपर में वापस। आई हाय सनैन, इसको बाहर झाड़ के आए, ये बीच में क्या गिरा हुआ, चीनी का शॉपर भी फटा हुआ। हाँ ये फटा हुआ नीचे से, ये चीनी का शॉपर फट गया यहाँ से ना, ये इसकी ये चीज खुल गई है, खा ले बहुत मुश्किल से कड़ी चीनी के लिए। तो इसको बच्चे को बहुत शौक होता है कि मैं घर पे ना ना हूँ तो ये चीनी का डब्बा खाली कर देती है, हम चीनी से परेशान होते हैं, चीनी कहाँ गई है, ये चीनी बहुत खाती है। तो अब जी ये हम वापस रख रहे हैं, ये जोन से बैठी है यही एक सुकून में नहीं रहती है। ये ब्लैक चने तो नहीं है, मैंने कब कहा ब्लैक है, वाइट चने है आपने कहा, ये है, ये ब्लैक चने है, ये है चना की दाल। ये मेरा बेटा जी मुझे पागल बनाता है, ये समझता मेरी माँ तो पागल है, मैं समझदार। उठा ली है, उठा इसको, उठा उठा ना जी, मुझसे नहीं उठाया जा रहा, ये इतना भारी है, छोड़ दे छोड़ दे, देख उसके पाँव पे रख दिया। और ये देखे नीचे चीनी गिर गई है, पिछो जा पिछो जा, ये देखें अभी ये चीनी भी साफ करूंगी मैं, सारी नीचे गिर गई है, पैकेट जो सा है वो फट गया है, कहाँ गई फटी हुई जगह, ये साइड है इसके, तो इसको नहीं रखूंगी वापस क्योंकि ये सारी चीनी निकल के गिर जाएगी, इसको किसी और शॉपर में रखूंगी मैं। अब ओली हो, तुझे समझ क्यों नहीं आती है, मैं कह रही हूँ नहीं रखना, फिर रख दिया। ये लीहा बहुत तेज है, देखिए अभी भी पागल होके लगी बैठी है, देख रही है क्या क्या है, ये देख तो लिया एक बार। लो जी
पागल होके बैठी है कि मेरे काम की कोई चीज निकलेगी। तो अब मैं आपको बताऊं ये बार बार ये क्यों देख रही है खोल के, क्योंकि हमने ना इससे मजाक से कहा था कि खेलना बस कर। वो पहले ये चीनी का शॉपर भी फट गया ना पैकेट, ये इनका भी फट गया, सारी नीचे गिर जाएगी दाल। ये देखो भाई शाम हो गई है, सब्जी वाला आया वो, ये शाम को ही आता है। तो ये देखे भाई शाम हो गई, धूप भी गायब हो चुकी है क्योंकि शाम हो रही है। तो माशाल्लाह से गली में रौनकें लगी हुई है। ये देखे आप लोग बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें, और मेरे बच्चे इधर खड़े हैं बेचारे, आस उम्मीद में खड़े हैं कि कब दरवाजे की इजाज़त मिले हमें और हम बाहर निकलें। कुंडी लगा, बाहर नहीं जाना, हाँ बस यहीं से देखो, बाहर नहीं जाना। ये क्या लेके खड़ी है, कौन आया था? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न। हाँ ये सुनैन ने जी इसको शॉपर में से निकाल के इसकी कपड़ों में दे दिया, ये लो जी आप खाओ अलग, मैं अपनी अलग खाऊँ। हाँ छोली में दे दिया इसको, गोद में दे दिया। ये देखो ये इतनी सी पॉपकॉर्न इसको मिल गया, बाकी सुनैन लेके भाग गया। आज लिहा नहीं गई है सपारा पढ़ने, क्योंकि ओए ऊपर नहीं लाइट नहीं आई अभी, ये लाइट जलाने के लिए ऊपर चढ़ रही है भूतनी। तो ये आज सपारे के लिए नहीं गई है क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ, बुखार नहीं होया? फिर सपारा पढ़ने क्यों नहीं गई? इसको जुकाम बेचारी को और बुखार हुआ हुआ, खांसी उल्टियां वगैरह कर रही है रात की। नहीं देख लाइट नहीं है, ये देख, ये कह रही है लाइट जलानी है। ये देखें जी ये यहाँ से इधर चढ़ती है बिस्तरों के ऊपर चढ़ के यहाँ से लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, पर लाइट है नहीं, लाइट गई भी है। ये देखें हमने लाइट भी ऑन की हुई है लेकिन लाइट गई भी है, तो ये पागल है। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की हुई है तो ये समझिए जी लाइट आ गई है। ये देखें जी लिहा के लिए अंडे उबाल रही हूँ क्योंकि लिहा को ठंड लगी हुई है, तो उसको अंडे देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं खिलाने, तो इसीलिए मैं उसके लिए अंडे उबाल रही हूँ। आज मैंने कहा उसको खाना नहीं खिलाऊंगी, सिर्फ अंडे खिलाऊंगी, क्योंकि उसको खांसी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, दवाई से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने चाय अब रख दी है चूल्हे पे, अंडे उबाल लिए थे, अलिया को खिला दिए हैं, अब ये चाय रख दी है, अब अंदर जा कर अलिया को दवाई पिलाऊँगी पहले, फिर उसको दूँगी, घंटे के बाद दूध दूँगी। ये देखें जी लिहा की दवाई, इसको मैं पिलाऊंगी। चलो लिहा दवाई पी लो, पीनी पड़ेगी, खुद ही कैसे पिएगी, मैं पिलाऊंगी। ये लिहा को दवाई पिला दी है, ये पैनाडोल तो वो पी लेती है शौक से, और ये वाली पसंद नहीं है उसको दवाई खांसी की, ये ठंड की भी है और खांसी की भी है। अलिया इसमें से कौन सी दवाई अच्छी है ये बता, कौन सी तुझे पसंद है, कौन सी? ये भी पसंद आ गई, अब ये वाली पसंद है इसको पैनाडोल, ये शौक से पी लेती है और ये वाली नहीं पीती है। चलो सो जाओ अब, ये जी अब सोने की तैयारी हो रही है इनकी, ये सोने लगी हैं, और ये देखें मेरी भी रजाई सेट हो गई है, सुनैन साहब भी लेट गए हैं, और ये नहीं अभी लेटने का नाम ले रही, जब तक लाइट बंद नहीं होगी ये लेटेगी नहीं, लाइट बंद होगी तो ये सो जाएगी। सुनैन वो फट्टी उठा, वहां से उठा के मुझे पकड़ा, ये जी बेबी बनाती है फट्टियों को, चल खेलने दे थोड़ी देर। तो अच्छा जी आप बच्चे भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, हम भी ठीक है क्योंकि रात हो चुकी है, रात के 9 बज रहे हैं, तो अब हम सोने लगे हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि आज क्या क्या हुआ, आज वहाँ से मैं
राशन लेके आए, जहाँ मैं जॉब करती हूँ उन्होंने दिया, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा दे। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, कल एक न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।